Hello friends, I am Richa. Welcome to my channel, Men's with Richa. Today, we are going to discuss about the new topic sets of class 11, chapter 1. The subject is sets for the end. Each set, each well-defined collection of objects, ठीक है? किसी भी objects वगैरह का well-defined collection होता है क्या हमारा sets? अब सबसे पहले ही well-defined होता क्या है? जो भी चीज आपकी पहले से defined हो वो क्या होता है well-defined। जैसे suppose आपसे पूछा गया कि how many vowels in English alphabet, तो आपका reply क्या होगा? A, E, I, O एंड है ना, ये आपका रिप्लाई होगा। तो ये क्या है, ये हमारा पहले से ही डिफाइंड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे गए कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी में अगर और पूछ लिया जाए तो 1, 3, 5, 7 है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारी क्या है, पहले से डिफाइन है। तो इस टाइप का जो भी पहले से ही डिफाइन है उसको हम क्या कहेंगे, सेट, ठीक है। अगर इफ आई आस्क, ये मान लीजिए आप क्लास में टू स्टूडेंट है, ठीक है, मैंने एक से पूछा कि उसके फेवरेट कैरेक्टर्स का नेम, तो वो बताएगा सलमान, आमिर, और क्या बताया उसने, मतलब सपोज उसने एक को बताया सलमान, एक बताया आमिर एंड नेक्स्ट बताया अक्षय, ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट से पूछा गया, उसने बताया शाहरुख खान, एसआर के, और एक बताया उसने गोविंदा, और एक क्या बताया उसने साहिब, ठीक है। दोनों को आंसर क्या है, डिफरेंस, मतलब थोड़े डिफरेंट आंसर है। जितने स्टूडेंट आप देखेंगे सबके अलग अलग आंसर होंगे, क्योंकि इस टाइप का आंसर होता है, ये सब अलग अलग फिर है, तो हम इसको सेट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेट क्या होता है, सेट पहले से ही वेरीफाइड होता है, यानी कि ये हमारे सारे सेट हैं, बट जिसके भी आंसर अलग लगा रहे हैं वो हमारे सेट नहीं है। जैसे आपसे पूछा गया कि क्रिकेटर्स में आपको कौन कौन से क्रिकेटर आपको पसंद है, ठीक है, एक्ट्रेस में कौन कौन सी आपको पसंद है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे, ठीक है, उसको हम सेट में डिफाइन नहीं करते हैं। सेट में डिफाइन करनी चीज होती है जिसको उसको पहले से ही वेरीफाइड हो, जैसे कि वोवल्स है, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इंटीजर्स है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम सेट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक है सी एंड बिलोंग टू। देखिए जो ए है, ए स्मॉल ए, ठीक है, ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है, एक सेट है, इसका ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। तो बिलोंग टू हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, या इसको हम ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इस तरीके से राइट कर सकते हैं, उस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ओके। इफ A is not an element of A, यदि A capital A का element नहीं है, या set A का element नहीं है, तो किससे represent करेंगे, A doesn't belong to capital A, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, A does not belong to set, ठीक है, ब्लॉक टू में क्या है, जो भी पार्ट है उस सेट का, उसका मतलब जो भी एलिमेंट है अगर उस सेट का पार्ट है तो ब्लॉक टू का टाइम लग जाएगा, अगर उस सेट का पार्ट नहीं है तो बस ब्लॉक टू, ठीक है। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास टू मेथड है, ठीक है। फर्स्ट है सेट बिल्डर मेथड एंड सेकंड है रोस्टर और टेबुलर मेथड, ठीक है। सबसे पहले सेट बिल्डर मेथड होता क्या है, देखिए
जैसे आपके पास कोई भी एक सेट है, ठीक है, उसमें कोई भी एलिमेंट है एक्स, वहां पर एक्स क्या है, एक्स इज अ मोबल, कोई मोबल है इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से राइट करते हैं कि equal to x such that x is a vowel in English alphabet, इस तरीके से हम राइट करते हैं तो ये जो टाइप होता है ये हमारा क्या होता है, सेट फिल्टर मेथड, ठीक है। अगर इसी को आपने ऐसे राइट किया, क्या होते हैं आपके वर्ड्स, a e i o, ठीक है। अगर इसको आपने ऐसे राइट किया तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड मेथड, वो है आपका रोस्टर और टेबुलर मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम, जैसे ए सेट बी ले, ठीक है, सेट बी इक्वल टू एक्स फर्स्ट, यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, एक्स इज अ नंबर या नेचुरल नंबर, natural number less than 10, x हमारा एक natural number है less than 10, इस टाइप से लिखा तो ये हमारी क्या हुई, set filter method हुआ, ठीक है। अब इसी को हम roster या table method में कैसे write कर सकते हैं, देखिए less than 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
contain
element each ball and each cell. क्या बोले उसने हम empty cell. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं उसने हम blood cell और white cell. ठीक है, जो ए है उसमें जो हमारा ऐसे लिखते हैं एफ से जो हमारा वो वन से ग्रेटर है एंड टू से छोटा है. ठीक है, वन से ग्रेटर है एंड टू से छोटा है. और हमारा एक्स क्या होना चाहिए, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, अब आप सोचिए कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्योंकि वन एंड टू के बीच में लाई करता हो, कोई भी है. तो अगर ये रैशनल नंबर पूछता, रैशनल नंबर तो हमारे बहुत सारे हैं, बट नेचुरल नंबर वन के बाद सीधे टू ही आता है. वन और टू के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है. ठीक है, इस टाइप का सेट हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट. ओके, आगे एग्जांपल की तरह ये बस डिफाइन है. इस एग्जांपल को आप ये एग्जांपल आप समझ में आ गया तो आप डिफाइन अपने से राइट कर लोगे. देखिए पाइथन का क्या है, पाइथन मतलब हमने पूछा जो एक्स से वन एंड टू के बीच में लाई करता है, तो वन एंड टू के बीच में कोई भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है ना. तो क्या हो गया, फाइव वाली बोला ए सेट विल डस नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. ओके, राइट सेट आपको नेम से ही पता चल रहा है फाइनाइट. फाइनाइट मतलब कुछ भी निश्चित हो इस बार. ठीक है, ए सेट which is क्या वो empty or containing countable number of तो या तो एम्प्टी हो या उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो, हमारे काउंटेबल हो, उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक ही है हमारा. तो ये काउंटेबल है ना. बी ए बी सी ये भी क्या हमारा काउंटेबल है. ठीक है, एंड जस्ट दिस इज अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फाइनाइट सेट हो गया, वो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनफाइनाइट सेट. क्या होता है आपका इनफाइनाइट सेट, इस सेट containing a set containing infinite a set containing uncountable number of elements each for इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट. ओके,
किसी फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, ये एनसीईआरटी नंबर ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x माइनस 1 ब्रैकेट में n x माइनस 2 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। देखिए इसको हमें बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट ये 1 एंड 2, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगी। और x क्या नेचुरल नंबर, तो हमारा 1 भी नेचुरल नंबर है और 2 भी नेचुरल नंबर है। तो ये जो हमारा सेट है 1 एंड 2 का ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई इसको हम देख के ही बता देंगे कि ये फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये दो ही नंबर है और कोई नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी तक चलता रहेगा तब ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x belong to n यानी कि नेचुरल नंबर है, x square equal to 4। देखिए अगर हम x को सॉल्व करें तो प्लस माइनस में ये आएगा रूट, है ना, बट सॉरी रूट नहीं 2 आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बट x का नेचुरल नंबर तो हम क्या मान लिया ओनली प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हमारा सेट बनेगा ओनली 2 का, ये भी क्या है फाइनाइट, क्या हमारा फाइनाइट सेट। और जो भी हमारा एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या होता है फाइनाइट, मैंने फाइनाइट इस टाइम में लिखवाया हुआ है, फाइनाइट के लिए क्या होता है एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी के ही हमारा इसका ही फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है हमारा x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज अ प्राइम नंबर, x हमारा प्राइम है, ठीक है, प्राइम क्या क्या हो सकता है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर बहुत सारे प्राइम होंगे, तो इस टाइप का सेट हमारा क्या कहलाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट x such that x belong to n and x is an odd, x क्या हमारा odd है 1, 3, 5, 7 and so on, ये भी क्या होगा हमारा infinite, ठीक है, example से हमारा यहीं पे finish होता है। My next topic is equal set. Equal sets. Equal sets क्या होता है? Two sets A and B are set to be equal if they have exact एलिमेंट क्या हो, बिल्कुल सेम हो, जैसे ए के पास है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बी के पास है 3, 2, 1, 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारे एलिमेंट है वो बेशक आगे पीछे हैं बट एलिमेंट क्या है बिल्कुल सेम है, देखिए 1 इसमें तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें 2 इसमें भी है, 3 इसमें 3 इसमें भी है, 4 इसमें 4 इसमें भी है, 5 इसमें और 5 इसमें भी है। इस टाइप के जो भी सेट होते हैं वो क्या कहलाएंगे इक्वल सेट्स, इक्वल टू, ओके। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एक सेट, ठीक है, एक सेट है कोई ए, एक सेट टू बी, सबसेट ऑफ बी, एक सेट है ए, एक सेट टू बी, सबसेट ऑफ ए सेट ऑफए सेट बी, बी का सबसेट है ए,
element of A. Of A is also element of B. वो B के भी element हो तभी A B का subset कहलाएगा. इसको हम कैसे represent करते हैं? इस तरीके से. ठीक है, ठीक है, सबसे अच्छा साइन. ओके, एग्जांपल के थ्रू देखो. देखते हैं, एक सेट है मान लीजिए बी, 1 2 3 4. ठीक है, फोर नंबर का सेट है और एक सेट है आपका ए जो है 2 एंड 3. ठीक है, एक सेट है आपका सी जो कि क्या है आपका 1 एंड 5. ओके, अब आप देखिए सेट ए है 2 एंड 3 दो एलिमेंट है इसमें. क्या ये दोनों एलिमेंट बी में लाई करते हैं? देखिए 2 एंड 3 लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो ए है वो क्या होगा? सबसेट होगा बी का. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट 1 एंड 5 है सी के एलिमेंट. 1 एंड 5 आपके बी में लाई कर रहे हैं, देखिए 1 है बट 5 नहीं है, यानी कि जो सी है इज नॉट सबसेट ऑफ बी. उसको जैसे कि ए है, अभी मैंने बताया था वो एलिमेंट है किसका, स्मॉल एलिमेंट है कैपिटल ए का, एंड ये भी है और जो ए है वो हमारा सबसेट है बी का. तो हमारा जो ये ए है वो बी का भी एलिमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है जो भी सेट होता है जैसे कि ए है वो खुद अपना भी सबसेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एम्प्टी सेट, जो भी जितने भी एम्प्टी सेट होंगे वो किसी भी सेट के सबसेट कहलाएंगे. ठीक है, एनी सेट, कोई भी सेट हो सबके सबसेट होता है, जो भी एम्प्टी सेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए जैसे कि ए है वो सेट है, सबसेट है बी का. ठीक है, और बी है वो सबसेट है बी का, तो क्या होगा हमारा ए एंड बी इक्वल होगा. ठीक है, नेक्स्ट ए सबसेट है बी का. ठीक है, बट जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, सबसेट तो है बट बी के इक्वल नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड हमारा बी क्या है? बी ए का सुपरसेट ऑफ. ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, इसके आप लर्न कर लीजिए. ए अगर बी का सबसेट है, ए सॉरी ए ए में बिलोंग कर रहा है ए स्मॉल ए, तो अगर ए सबसेट है बी का तो ए बी में भी बिलोंग करेगा. हर सेट अपना भी सबसेट होता है. फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, यानी कि जो सबसेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है. ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, दोनों क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे. ए बी का सबसेट है, ए और बी इक्वल नहीं है, ए हमारा प्रॉपर सेट रहेगा, प्रॉपर सबसेट, एंड जो बी है वो हमारा सुपर सेट कहलाएगा. ओके, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. देखिए रियल नंबर आप पूरा अपना स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, देखिए रियल नंबर में सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर, फिर आता है हमारा होल नंबर, फिर देन आपका इंटीजर्स. ठीक है, देन आपका रैशनल नंबर, देन आपका रियल नंबर. ठीक है, इरेशनल नंबर हम यहाँ अलग से लिखते हैं, इसको हम टी से लिखते हैं. ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का. क्यों? होल नंबर 0 से इन्फिनिटी होता है, ये 1 से इन्फिनिटी होता है ना, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा. ऐसे होल नंबर इसका होता है इंटीजर्स का, इंटीजर किसका होता है? रैशनल नंबर का. रैशनल नंबर हमारा रियल नंबर का, एंड जो इरेशनल है वो किसका कहलाएगा?
माँ का ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। नेचुरल नंबर पूछा जाए तो वो जैसे आपसे पूछा गया कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो इंटीजर का सबसेट है, बिल्कुल है। नेचुरल नंबर इसका रैशनल नंबर का सबसेट है, बिल्कुल है। रियल नंबर का क्या है, रियल नंबर का भी ऐसे होल नंबर भी, यानी कि जो ये एन है वो इस चारों के हैं सबसेट, डब्ल्यू है वो तीनों का सबसेट है, जेड है वो इन दोनों का सबसेट है, टू एम खाली ठीक है। डब्ल्यू इसका क्या है सुपर सेट, जेड क्या है इनका सुपर सेट, टू क्या इन तीनों का सुपर सेट, आर क्या है इन चारों का सुपर सेट, ठीक है। बट क्यों के रेशनल नंबर खाली रियल नंबर का ही सबसेट है, रियल नंबर है जो इन सबका ही रेशनल मिला के और ये सब मिला के इन सबका क्या है सुपर सेट है, ठीक है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखिए देखिए वो इंटरवल गिवन है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। देखिए ये इंटरवल है तो ए बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, इस टाइप का जो इंटरवल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ए टू बी पूरा बोलेंगे ओपन इंटरवल ए टू बी, और इसको हम नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको खाली रखना है, इसको फिल नहीं करना है, सर्कल है आपका। नेक्स्ट a b equal to x such that x is greater than equal to b, a and less than equal to b, इस टाइप का हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल a to b, और इसको नंबर लाइन का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें इस सर्कल को हम फिल कर देंगे, ठीक है। और इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे ऊपर में, और नेक्स्ट देखिए ये हमारा क्लोज वाला ब्रैकेट है, ये हमारा ओपन वाला ब्रैकेट है, इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ए बट लेस देन बी, यहाँ इक्वल नहीं लग रहा है, यहाँ हमारा ओपन वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल तो है बट इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, जो भी ओपन में उसको एक्सक्लूड कर देंगे और जो भी आपका क्लोज में उसको इंक्लूडिंग कर देंगे, ठीक है। पूरा लिख दिया ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, और आपने इसे लिख लेना, मैंने बोल दिया है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए बी क्या है हमारा ओपन है तो ए को आप फिल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ए ओपन है आपका और बी क्लोज है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए, तो इसकी नंबर लाइन तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, ये और ये जिसमें कि ए का सर्कल खाली रहेगा और बी का नाम फिल कर देंगे, ये क्रॉस को शो करते हैं और ये सर्कल को फिल करता है, ठीक है। नाउ नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट, ये पावर सेट होता क्या है, पहले डिफाइन कर देंगे। थ्री कलेक्शन और सबसेट और सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ, ठीक है, एंड इट डिनोटेड बाय, हम इसे डिनोट करते हैं टी, ठीक है। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल वो एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1 एंड, ठीक है। अब इस ए के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, देखिए एक हमारा 5 हो गया, एक हमारा 1 हो गया, एक हमारा 2 और एक हमारा 1 एंड 2, ठीक है। इतना ही पॉसिबल है, ये जो पूरा कलेक्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट, ओके। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इसको हम एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट की पावर n, ठीक है। वेयर नंबर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ठीक है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 4,
किस्मत टू एलिमेंट है तो टू की पावर टू हो गया, फोर आ गए तो पावर सेट में कितने एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। पावर सेट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया, जितने भी हम सबसेट बना सकते हैं किसी भी एक सेट की, उन सबका जो कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, पावर सेट। ओके, नाउ माय लास्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या सबसे बड़ा सेट हो, जैसे हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है हमारा, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सबके लिए क्या है, वो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, ए सेट containing, a set containing all elements and of which other sets are subsets। यानी कि उसके लिए जितने भी और सेट है वो सब क्या, उसके लिए सबसेट है, सबसेट का काम कर रहा है, उसमें सारे ही एलिमेंट होते हैं, वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि मैंने बताया रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, उसके लिए नेचुरल, एक होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, रैशनल नंबर के लिए, इन सबके लिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। आज के लिए नाइस एंड थैंक यू।